एक बहुत अच्छी खुशखबरी सभी मूक बधिर दिव्यांगजनों के लिए। हेलो एवरीवन, मैं ज्ञानेंद्र पुरोहित, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो मूक बधिर हैं उनकी जो इंडियन साइन लैंग्वेज है वह उनकी मदर टंग है। इंडियन साइन लैंग्वेज जो कि ISLRTC जिसको प्रमोट कर रहा है और जिसका फ़ायदा सबसे पहले बधिरों को के लिए है। इंडियन साइन लैंग्वेज से हर चीज़ का विकास एजुकेशन में तो होता ही है। जो इंडियन साइन लैंग्वेज है वह निशुल्क होना चाहिए। निशुल्क क्यों होना चाहिए? जैसे मैं बताना चाहता हूँ, संविधान में ये बात कही गई है कि हमारे भारतवासी की जो भी अलग अलग तरह की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, कोई सी भी भाषा है, तेलुगु भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं, वो जो मदर टंग है, शासन उसके लिए अनुदान देगी और यह सारी जो मातृभाषा के रूप में भाषाएं हैं वह निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। तो जब यह हियरिंग लोगों के लिए है तो डेफ लोगों के लिए भी ये आपको संविधान ताकत देता है, अधिकार देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के जो सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग जो लेवल के साइन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, DT, ISL, डिजली जो कोर्स होता है साइन लैंग्वेज का जो आप लोग करते हैं, उसमें आपको फीस देनी होती है, यह निःशुल्क होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो तमिल लैंग्वेज हो, बंगाली हो, हिंदी हो, जितनी भी भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं मातृभाषा सीखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। मूक बधिरों को पैसा खर्चा करना नहीं आवश्यक है। संविधान इसके लिए आपको सशक्त बनाता है। हम इंदौर के सांसद महोदय से मिले थे, हमने ज्ञापन दिया था कि जो मूक बधिरों के लिए जो इंडियन साइन लैंग्वेज है इसका जो कोर्स होता है, डिस्ली का हो, DTISL जो भी है, सारे कोर्सेज ISLRTC के माध्यम से हो रहे हैं, वो पूरे भारत में निःशुल्क होने चाहिए। और उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को यह पत्र भेजा था और यह सहमति बनी। डेफ और जो अन्य तरह के दिव्यांगजन हैं उनके लिए ISLRTC ने निःशुल्क साइन लैंग्वेज का कोर्स पढ़ाने की अनुमति दी है। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, चूँकि ये मातृभाषा है, यह निःशुल्क होना चाहिए। ये बधिरों की भाषा है, आपकी अपनी भाषा है। संविधान में आर्टिकल 21 को यदि आप पढ़ेंगे, उसमें राइट टू लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए बात कही गई है। तो राइट टू लाइफ बधिरों के लिए क्या है? हियरिंग के लिए पढ़ाई लिखाई में उनकी मातृभाषा है, तो डेफ लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इंडियन साइन लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो फ्री होना चाहिए, कोई फीस नहीं लगना चाहिए। ये हमको संविधान ताकत देता है। मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं लेटर लगा हुआ है। ऐसे ही हम सारे जो डेफ एसोसिएशंस हैं, डेफ लोगों के ग्रुप्स हैं, वह कोशिश करें कि डेफ लोगों को पेमेंट ना करना पड़े, फीस ना देना पड़े। ये तो उनकी मातृभाषा है, ये निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए फीस देनी पड़े यह गलत है। ये हमारा संविधान हमारे दिव्यांगजनों को, मूक बधिरों को एम्पावर करता है और हम चाहते हैं कि इंडियन साइन लैंग्वेज की कोई कोर्स करने की किसी भी प्रकार की फीस ना लगे। और सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडियन ISLRTC काम कर रहा है, किताबों का डिजिटल साइन लैंग्वेज में पूरा एकेडमिकली कक्षा 1 से लेके सारी क्लासेस की जो सिलेबस है उसको ट्रांसलेट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अवेयरनेस आई है और बधिरों की शिक्षा आगे बढ़ेगी। पहले
नहीं हो पाया, लेकिन अब ये होगा और बदिरों की तरक्की होकर रहेगी। मैं देखता हूँ एक विज़न में कि एक बदिर व्यक्ति आईएएस बनेगा, एक लॉयर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएंगे, आईआईएम में जाएंगे, हर फील्ड में बधिर लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग प्रयास करें इसके लिए और आशा है हमारी जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। यह वह लेटर है, देख सकते हैं।